कक्षा द्वादश के प्रिय भैयाओं, चलिए हम अगला चैप्टर चैप्टर 6 स्टार्ट करते हैं, रिकर्सन। चूंकि यह चैप्टर हमारे प्रीवियस चैप्टर फंक्शन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम अगला चैप्टर चैप्टर 6 रिकर्सन शुरू करते हैं। आशा है कि आप सभी हमारे साथ बने रहेंगे। तो रिकर्सन हमारे इंटर का 6th लेसन है, चैप्टर 6 है रिकर्सन। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि रिकर्सन के बारे में हम समझेंगे, रिकर्सन के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा टॉपिक होगा हमारा कि रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है। तीसरा हमारा टॉपिक होगा कि कैसे रिकर्सिव फंक्शन काम करता है। और चौथा टॉपिक होगा कि हम रिकर्सिव टेक्निक को पाइथन में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। लास्ट टॉपिक में हम रिकर्सन और इटरेशन को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। चलते हैं, हम रिकर्सन का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। रिकर्सन की तो डिफिनेशन बहुत सिंपल है और इसी के साथ ही आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। व्हेन ए फंक्शन इज कॉल्ड बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सन। जब कोई फंक्शन अपने आप को ही बुलाए तो उसे रिकर्सन कहते हैं। व्हेन ए फंक्शन इज कॉल्ड बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सन। और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। और हमें उम्मीद है कि यह एक लाइन की डिफिनेशन आप लोगों को याद हो गई होगी, लेकिन हमें रिकर्सन के कॉन्सेप्ट को अच्छे ढंग से समझना है। रिकर्सन रिफर्स टू ए प्रोग्रामिंग टेक्निक इन विच ए फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यहाँ हमें समझना होगा, सामान्यतः हम किसी एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन को बुलाते हैं और जिस फंक्शन में बुलाते हैं उसे हम कॉलिंग फंक्शन बोलते हैं। हम अपने वास्तविक जीवन में किसी दूसरे को उसके नाम से बुलाते हैं, उसी तरीके से पाइथन में भी हम किसी फंक्शन को उसके नाम से बुलाते हैं। हम अपने सामान्यतः जीवन में किसी को उसके नाम से बुलाते हैं तो हम किसी को बुला सकते हैं और दूसरा हमें बुला सकता है। अब सेल्फ कॉलिंग हम तो अपने वास्तविक जीवन में नहीं करते हैं, हम अपने आप को तो नहीं बुलाते हैं, बुलाना होगा तो किसी दूसरे को बुलाते हैं। लेकिन यहाँ हमें टेक्निक को समझना होगा कि सेल्फ कॉलिंग क्या होता है। अपने आप को ही बुलाना ही रिकर्सन कहलाता है। तो अपने आप को बुलाना, कैसे अपने आप को बुलाना है? जब भी हम किसी कॉन्सेप्ट को डिफाइन करते हैं तो उदाहरण द्वारा और गैर उदाहरण द्वारा उसकी विशेषताओं को सूचीबद्ध करते हैं। तो चलिए हम रिकर्सन को कुछ उदाहरणों द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। आपने कभी देखा होगा एक किताब बचपन में आती थी, ABCD की या KKG की। वह किताब कोई पढ़ाई शुरू करता था तो उसे बचपन में दी जाती थी। आप ध्यान देंगे, उस किताब पर एक बंदर का फोटो होता था और बंदर के हाथ में भी वही किताब होती थी। जो किताब पर बंदर बैठा है उसके हाथ में भी वही किताब है। तो जब वही किताब है तो उसके हाथ में जो किताब है उस पर भी बंदर होगा और उसके हाथ में भी वही किताब होगी। उस किताब पर भी बंदर का फोटो होगा और उसमें भी वही उसके हाथ में किताब होगी। ये इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। दूसरा उदाहरण हम देते हैं, जैसे आप टेलीविजन पे प्रसारण देखते हैं, लेकिन रिकर्सिव ब्रॉडकास्ट जब टेलीविजन पर वही डिस्प्ले हो जिसमें वो टेलीविजन दिख रही हो, उसी टेलीविजन का प्रसारण उसी टेलीविजन पे हो रहा है तो उसके अंदर भी टेलीविजन आएगी और उस पर उसी टेलीविजन का प्रसारण होगा। फिर उसके अंदर टीवी पर भी उसी टेलीविजन का प्रसारण हो रहा है तो उसके अंदर भी टीवी होगी। ऐसे ये इनफाइनाइट चलता जाएगा। जो टेलीविजन है उस टेलीविजन पर उसी को दिखाया जा रहा है, उसके अंदर जो टेलीविजन है उस पर उसी टेलीविजन को दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से हमें उस टेलीविजन का अंत नहीं दिखता। या कभी आप गए होंगे नाव की दुकान पर, तो नाव की दुकान पर दोनों तरफ शीशे लगे होते हैं और एक शीशे में दूसरे शीशे का इमेज दिखाई देता है और यह शीशे इनफाइनाइट होते हैं, उसका अंत हमें नहीं दिखाई देता है। एक हम वास्तविक जीवन के घटना की चर्चा करते हैं और हमें उम्मीद है कि इसके द्वारा ही आप समझ जाएंगे कि रिकर्सन क्या होता है।
एक लड़का था जो बचपन से ही मारपीट करता था, किसी से उलझ जाता था और पीट जाता था। एक बार पीटा, दो बार पीटा, चार पांच बार पीट गया। जब चार पांच बार पीट गया तो दस बार भी पीटेगा तो कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो पीट जा रहा है। ऐसा करते हुए धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, और बड़ा होते होते वो इतनी बार झगड़ा किया कि मोहल्ले वाले उससे डरने लगे। इस क्रम में उसके ऊपर बहुत सारे केसेज हो गए, कोतवाली में बहुत सारे केसेज हो गए, मारपीट के बहुत सारे केसेज उसके ऊपर हो गए। तो एक दिन उसके घर पुलिस गई उसको पकड़ने के लिए। जब पुलिस पहुंची उसके दरवाजे पर तो हाथे में वही खड़ा था। जब उसने पूछा कि ये हैं, तो उसने कहा कि हाँ हैं, वो घर में है, अभी बुलाते हैं। और दरवाजे पर खड़ा होकर के अपने आप को ही बुलाने लगा। एक बार आवाज़ दिया, अपना नाम ही रखा, दूसरी बार भी अपना नाम दिया। तब तक उसके घर जो उसका छोटा भाई था वह भ्रमित हो गया। वह सोचा कि ये अपने आप को ही क्यों बुला रहा है। फिर पुलिस से उसने कहा कि रुकिए, हम अंदर से उसको भेजते हैं। और वो अंदर गया और पिछले दरवाजे से भाग गया। तो जब कोई अपने आप को ही बुलाए तो उसे रिकर्सन कहते हैं। When a function is called by itself is called recursion। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। रिकर्सिव फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, वहाँ हम डेफ कीवर्ड से फंक्शन का नाम दे करके और पैरेंथेसिस लगा करके डिफाइन करते थे और उसमें किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करते थे। स्क्रीन पर एक नॉर्मल फंक्शन है जिसमें ए फंक्शन एक डिफाइन किया गया है और उसके अंदर दूसरे फंक्शन डी को बुलाया गया है। लेकिन रिकर्सिव फंक्शन क्या होगा? रिकर्सिव फंक्शन वे फंक्शन होते हैं जिसके अंदर उसी फंक्शन की कॉलिंग होती है। रिकर्सिव फंक्शन वे फंक्शन होते हैं जिस फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को बुलाया जाता है। तो अगर हम कोई ये फंक्शन बनाते हैं और उस फंक्शन में ही उसी को बुलाते हैं तो यह केस रिकर्सिव होता है। रिकर्सन एक टेक्निक है जिसके माध्यम से हम किसी प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप रिकर्सिव टेक्निक के मेथड से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथडोलॉजी बहुत ही सिंपल हो जाता है। हाँ, थोड़ा सा इसकी टेक्निक को हमें समझना होता है। तो यहाँ तो क्लियर हो गया कि रिकर्सन फंक्शन वे फंक्शन होते हैं जो अपने आप को ही बुलाते हैं, यानी कि सेल्फ कॉलिंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ए फंक्शन इज सेट टू बी रिकर्सिव फंक्शन इफ इट कॉल्स इटसेल्फ। एक फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन तब कहलाता है जब वो अपने आप को बुलाए। अगर कोई फंक्शन अपने आप को नहीं बुलाता है तो वह रिकर्सिव फंक्शन नहीं है, लेकिन अगर कोई फंक्शन अपने आप को ही बुलाए तो वो रिकर्सिव फंक्शन है। आगे बढ़ते हैं। दो टर्म यहाँ आ रहे हैं। जब हम किसी प्रॉब्लम को रिकर्सिव मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमें दो बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे अभी जो हमने उदाहरण दिया टेलीविज़न का, किताब का या नाव की दुकान का, जिसमें इमेजेस इनफाइनाइट बन रहे थे, तो अगर हम किसी फंक्शन को बुलाते हैं और वह इनफाइनाइट कॉल होते जा रहे हैं तो पाइथन में मैक्सिमम डेप्थ एरर आ जाएगा। पाइथन कंपाइलर में आप रिकर्सिव मेथड को कितने अंदर तक ले जा सकते हैं उसकी एक सीमा निर्धारित होती है। जब वो सीमा बियॉन्ड चली जाती है तो रन टाइम एरर आता है। तो अगर हमारे फंक्शन का कहीं ब्रेक पॉइंट नहीं है तो रन टाइम एरर आ जाएगा, मैक्सिमम डेप्थ एरर। तो यहाँ हमें अगर किसी प्रॉब्लम को रिकर्सन मेथड द्वारा सॉल्व करना है तो दो केस हमें निकालने होंगे। पहला बेस केस, यानी कि हमारा यह जो फंक्शन कॉलिंग हो रहा है, एक के अंदर एक कॉलिंग होता चला जा रहा है इनफाइनाइट तक, वो कहाँ जाकर के रुकेगा? जो हमारा स्टॉप पॉइंट होता है जहाँ हमें उस रिकर्सन कॉलिंग को रोक देना है उसे हम बेस केस कहते हैं, और जहाँ हमें अंदर जाना है उसे हम रिकर्सिव केस कहते हैं। अभी ये टर्म आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने दो फंक्शन बनाया है, एक फंक्शन ए बनाया है जिसके द्वारा बी को कॉल किया गया है और दूसरा फंक्शन बनाया है जिसके द्वारा ए को कॉल किया गया है। तो ए बी को कॉल करेगा, बी ए को कॉल करेगा, फिर ए के अंदर जाएगा तो बी कॉल करेगा, बी के अंदर जाएगा तो ए कॉल करेगा।
तो इस तरह से एक तरह से लगातार कॉलिंग होती जाएगी और पाइथन में मैक्सिमम डेप्थ एरर आ जाएगा। तो हमें इस कॉलिंग को एक जगह रोकना है, जहां रोकेंगे वो हमारा बेस केस होगा, जहां एक फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को कॉल करना है वो हमारा रिकर्सिव केस होगा। नॉर्मल फंक्शन, अब हम रिकर्सन टेक्निक एक सम फंक्शन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर हम कोई संख्या इनपुट करते हैं n, या मान लीजिए कि हम 10 इनपुट करते हैं और 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का आपस में जोड़ करना है, तो हम जो नॉर्मल फंक्शन बनाएंगे उसमें लिखेंगे def sum n, उसके बाद से सम एक वेरिएबल ले लेंगे जिसका मान 0 कर देंगे और फिर एक लूप चलाएंगे जो i का मान 0 से लेकर के 1 तक जाएगा और उसको हम सम वेरिएबल में जोड़ते जाएंगे, तो हमारे जितने भी 1 से लेकर के n तक के नंबर्स होंगे आपस में ऐड हो जाएंगे और फिर जो हम सम वैल्यू रिटर्न करेंगे उसमें 1 से लेकर के n तक के सारे नंबर्स आपस में ऐड हो गए रहेंगे। यहाँ नीचे मेन फंक्शन दिया गया है x इक्वल टू इंटीजर इनपुट इंटर एनी नंबर और प्रिंट में हमने रिजल्ट डिस्प्ले कराया है और सम को कॉल कराया है। तो x की वैल्यू जा कर के n में कॉपी हो जाएगी। n एक डमी वेरिएबल है, जब कॉलिंग के दौरान बनेगा, उसके बाद से एक सम वेरिएबल बनेगा जिसमें 0 हो जाएगा, फिर i वेरिएबल एक बनेगा जिसमें 0 से लेकर के n तक वैल्यू आएंगी, सम का टोटल होगा और अंत में सम हमारे मेन फंक्शन में रिटर्न आ जाएगा। और जो काली फंक्शन में जितने भी वेरिएबल्स बने हैं, n बना है, सम बना है, i बना है, ये सारे कॉलिंग के बाद डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। चलते हैं इस रिकर्सिव मेथड द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। जो हमने यह नॉर्मल मेथड द्वारा फंक्शन बनाया था उसमें हमने 1 से लेकर के n तक के संख्याओं का योग किया था। अगर हम 1 से लेकर के n तक की संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो उसके विपरीत भी हम काम करेंगे, n से लेकर के 1 तक के नंबर्स को जोड़ेंगे तो भी रिजल्ट वही आएगा। अब हम सम बनाते हैं और यहाँ 1 हमारा बेस केस हुआ, यानी कि 1 पे हमें स्टॉप कर देना है। अगर n का मान 1 से अधिक है तो रिकर्सन करना है, यदि n का मान 1 है तो हमें रिटर्न 1 कर देना है, अगर n का मान नहीं है तो हम रिटर्न कराएंगे n प्लस और फिर सम को n माइनस 1 से कॉल करा देंगे। अगर सम में 10 हमने दिया है तो 10, n का मान 10 नहीं है तो एल्स पार्ट पकड़ेगा और रिटर्न करेगा n प्लस सम n माइनस 1, यानी कि अब ये फंक्शन 9 से कॉल होगा, फिर उसके अंदर जाएगा तो 8 से कॉल होगा, फिर 7 से कॉल होगा, फिर ऐसे करके जैसे ही n का मान 1 होगा तो ऊपर वाला पार्ट पकड़ लेगा और 1 रिटर्न कर देगा। इस हम सम फंक्शन को रिकर्सिव मेथड द्वारा डिफाइन करते हैं। ऐसे हम पाइथन में लिखेंगे def sum n, n का मान अगर 1 है तो 1 रिटर्न कर देंगे, अगर n का मान 1 नहीं है तो हम रिटर्न करेंगे n प्लस और फिर उसी फंक्शन को कॉल करा लेंगे उसका मान 1 कम करके, फिर ये n माइनस 1 कॉल होगा तो फिर वो जुड़ेगा और फिर उसका मान 1 कम हो जाएगा। मेन मेथड में हम एक इनपुट करा दे रहे हैं x और हम प्रिंट में सम को बुलाते हैं, तो हमारे 1 से लेकर के जितनी संख्या हमने x में दिया है उन सारी संख्याओं का आपस में टोटल हो जाएगा। जैसे अगर हमें किसी संख्या का फैक्टोरियल निकालना है तो हम मान लीजिए कि फैक्ट फंक्शन बनाए n, तो फैक्टोरियल n का मतलब होता है कि n से लेकर के 1 तक की संख्याओं का योग। फैक्टोरियल निकालना है तो हम 1 से लेकर के n तक की संख्याओं को आपस में गुणा कर देते हैं तो हमारे फैक्टोरियल वैल्यू निकल आता है। उसको हम लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू फैक्टोरियल 1
और जब वन का मान होगा तो वन से नीचे नहीं ले जाना है, तो बेस केस हमारा हो गया वन और बाकी हमारे रिकर्सिव केस हो गए। चलिए हम फैक्टोरियल एन का रिकर्सिव फंक्शन लिखते हैं। अगर एन का मान वन है तो वन रिटर्न हो जाए, ये हमारा बेस केस हो गया। और एल्स पार्ट में हम रिकर्सिव केस ले लेंगे, हम लिखेंगे रिटर्न एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस। अगला टॉपिक है कि कैसे रिकर्सन काम करता है, हाउ रिकर्सन वर्क्स। रिकर्सन में हमारा एक फंक्शन स्टैक हो जाता है। स्टैक मीन्स स्टैक एक एलिमेंट का अरेंजमेंट होता है जो कि लास्ट इन फर्स्ट आउट फैशन पे काम करता है। जैसे मान लीजिए कि हमने कार्टन लाया बिस्किट का, जिसमें बिस्किट रखे हुए हैं, तो जब कार्टन में बिस्किट रखा गया होगा तो वह बिस्किट सबसे बाद में निकलेगा जो कि पहले रखा गया है, और जो बाद में रखा गया है बिस्किट वो पहले रखा गया है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम तस्तरी के ऊपर एक सजा देते हैं, तो तस्तरी जो सबसे बाद में रखी गई है उसको पहले हटा सकते हैं, और जो सबसे पहले रखी गई है उसे बाद में हटा सकते हैं। तो यहाँ एक फ्रेम का स्टैक बनता है। एक फंक्शन कॉल हुआ, उसी को बुलाया गया एक वैल्यू कम करके, तो दूसरा एक फ्रेम बनेगा, फिर एक तीसरा फ्रेम बनेगा, फिर जो बेस पॉइंट होगा वहाँ से वैल्यू रिटर्न आती चली जाएगी और सबसे ऊपर वाले स्टैक में रिटर्न होगा। लास्ट टॉपिक है रिकर्सिव फंक्शन वर्सेज इटरेशन। हम रिकर्सिव फंक्शन द्वारा अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो उसे इटरेशन द्वारा सॉल्व कर सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम हम इटरेशन द्वारा सॉल्व करते हैं उसे रिकर्सिव फंक्शन द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है। लेकिन कभी कभी हमारे सामने जो प्रॉब्लम आती है वह रिकर्सिव मेथड द्वारा आसानी से सॉल्व हो जाता है, और कभी कभी हमारे सामने जो प्रॉब्लम आती है वह इटरेशन द्वारा आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। हालांकि नॉर्मली यह एक दूसरे द्वारा रिप्लेस किए जा सकते हैं, लेकिन किसी किसी केस में हमें रिकर्सन ही लेना होता है, और बहुत सारे केसेज में हमें इटरेशन ही लेना होता है, और बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जहाँ यह इंडिविजुअल एक दूसरे से और बहुत सारे ऐसे केसेज होते हैं जहाँ यह इंडिविजुअल बेस्ट होता है किसी मेथड को सॉल्व करने के लिए। आज बस इतना ही रहेगा, चलिए हम किसी रिकर्सिव मेथड को इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाते हैं। चलिए हम फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाते हैं। हम एक नया फाइल ले लेते हैं और यहाँ हम डिफाइन कर देते हैं फैक्ट, और इसमें कोई आर्गुमेंट हम पास कर देते हैं और अपना बेस केस लिखते हैं। यदि एन का मान वन है तो हम रिटर्न करा देंगे वन को, एल्स हम रिटर्न कराएंगे एन इंटू फैक्ट एन माइनस वन। अपने मेन मेथड में हम लिखते हैं डेफ मेन एक्स इक्वल टू इनपुट इंटीजर इनपुट इंटर एनी वैल्यू, और हम प्रिंट करा देते हैं प्रिंट फैक्ट एक्स, और हम अपना इफ मेन मेथड लिख देते हैं। यदि double_name:main:colon then main। अब इसको हम सेव कर लेते हैं।
फैक्ट नाम से रख लेते हैं और इसे रन कराते हैं। कोई वैल्यू देना है तो चलिए हम 5 देते हैं, तो 5 का फैक्टोरियल वैल्यू 120 आ गया, यानी कि हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है। चलिए एक दूसरा फंक्शन बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि 3 की घात हमें 7 कैलकुलेट करना है, तो 3 की घात 7 का मतलब हुआ 3 × 3 की घात 6। 3 की घात 6 का मतलब हुआ 3 × 3 की घात 5। 3 की घात 5 का मतलब हुआ 3 × 3 की घात 4। तो अगर हमारा, तो चलिए हम पावर फंक्शन बनाते हैं, पावर, जिसमें हमें x की घात y कैलकुलेट करना है। अगर y का मान 1 होगा तो हमें रिटर्न करा देना है x को, और नहीं तो हमें रिटर्न कराना है x इंटू x इंटू पावर x कमा y माइनस 1। अब हम 2 संख्याएं इनपुट करा लेते हैं, m और n, 2 संख्याएं इनपुट करा लेते हैं और हम पावर फंक्शन को बुलाते हैं पावर m कामा n। तो m की वैल्यू x में चली जाएगी, n की वैल्यू y में चली जाएगी और पावर कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए इसको हम फिर सेव कर लेते हैं और रन कराते हैं। चलिए इसे हम सेव कर लेते हैं और रन कराते हैं। तो पहली वैल्यू मान लीजिए कि 2 देते हैं, दूसरी वैल्यू हम 3 देते हैं, तो 2 की घात 3 कैलकुलेट होगा, रिजल्ट आ गया 8। तो उम्मीद है कि आपको रिकर्सन समझ में आ गया होगा। हमारे इस लेक्चर को देखने के बाद से अगर आप किताब पढ़ते हैं तो आपको निश्चित समझ में आ जाएगा। आज हमने रिकर्सन आपको बहुत आसान भाषा में सिखाने का प्रयास किया, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।